बेसिकली मैं आपको सच्ची सच्ची बोलूं तो आप दो महिलाएं बैठी हो जी, पीरियड डेज के फर्स्ट डे पहले मिनट जब पीरियड का पहला ड्रॉप शुरू होता है उस टाइम फुल ऑफ पावर होते हो आप। उस टाइम आप किसी को बद्दुआ दे दो ना उसका बेड़ा गर्क हो जाए, किसी को दुआ दे दो तो वो बेचारा तर जाए। मतलब आपके पास पावर्स हैं। बेसिकली एक महिला जननी है, एक पावरफुल है, बिल्कुल, बिकॉज उसको भगवान ने शक्ति दी कि बॉडी में एक बीज आया जो नजर भी नहीं आ रहा और 9 महीने में बच्चा बन जाता है। ये जो पीरियड्स हैं ये बॉडी का वेस्ट है, बॉडी का टॉक्सिन है जो यूज नहीं हुआ। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं 9 महीने पीरियड्स नहीं आते, और जब तक बच्चा दूध पी रहा होता तब भी पीरियड्स नहीं आते। तो जो 9 महीने पीरियड्स क्यों नहीं आते, क्योंकि जो बॉडी की एनर्जी पीरियड्स के लिए एग बना रही थी, मतलब बच्चा पैदा करने के एग बना रही थी, जब बच्चा पेट में आ गया तो उसी से बच्चे का निर्माण हो रहा है, और जब बच्चा दूध पी रहा है तो उसी से दूध का निर्माण हो रहा है। बेसिकली बॉडी में एनर्जी है वो जी। ये एनर्जी जब यूज नहीं होती 28 दिन के बाद, चंद्रमा के साइकिल से चलती है ये, चंद्रमा की कलाओं से चलती है, क्योंकि पीरियड 28 दिन बाद आते हैं जी। तो 28 दिन बाद जब पीरियड्स आते हैं तो वो पूरी एग्स फूट जाते हैं जो यूज नहीं हुए, अब वो वेस्ट के रूप में बाहर निकलने हैं। लेकिन उस टाइम पे महिलाओं को लघु आहार लेना चाहिए, हल्का आहार लेना चाहिए, छोटे-छोटे पोर्शंस, बिल्कुल थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को एक काम दिया है अपनी गंदगी निकालने का, क्योंकि अगली बार अगले महीने फिर आप फर्टाइल होने के लिए रेडी हो गए ना, तो बॉडी की गंदगी निकालने का टूल था। लेकिन आजकल की महिलाओं को कोई स्कूल कॉलेज कोई सिखा नहीं रहा, ना दादी नानी सिखा रही, ना कोई हमारा गुरुकुल बच्चे जो सिखा रहे हैं। हो क्या रहा है, महिलाएं उस दौरान भी परोंठे पूड़ी पकौड़ा पिज्जा बर्गर टिक्की समोसा सब खाती हैं। मेरे को ना क्रेविंग हो रही है गोलगप्पे खाने चले, खा भाई, मेरे को टिक्की खानी, खा भाई। होता क्या, बॉडी गंदगी निकाल नहीं पाती जी। वो गंदगी अंदर रुक जाती है और वो डेवलप होती है सिस्ट जी, जिसको आपने बोला PCOD जी। तो पहली बात तो हम रीजन खत्म करें कि जो 5 दिन पीरियड्स के चलते हैं उस दिनों में पका हुआ आहार ना खाएं। अच्छा, एक्चुअल में अग्नि को लगा हुआ आहार नहीं खाना था, इसीलिए किचन में जाने से मना किया था। ओके, क्योंकि पका हुआ भोजन खाने उस टाइम डाइजेस्ट करने की अवस्था में बॉडी नहीं है। लेकिन हमें उन्होंने उल्टी पट्टी पढ़ा दी हमारे जो गलत इतिहासकारों ने। एक्चुअल में बॉडी को अपनी क्लीनिंग करके अगले मौसम के लिए आपको प्रिपेयर करना था जी। अगले मौसम में फिर आपको फर्टाइल होने के लिए रेडी होना है। बेसिकली महिला को जननी कहा गया, जैसे धरती माँ को, धरती को भी माँ कहा गया है जी। तो वो जननी की शक्तियां वापिस आए उसके लिए 5 दिन वो रेस्ट था। लेकिन आजकल पूरा दिन आप खाते रहते हो खाते रहते हो। अच्छा, मम्मी भी कहती है पीरियड चल रहा है दूध पी ला है, पीरियड चल रहे हैं हलवा बना दवा। अरे भाई, नहीं खाना खाना होता, इसीलिए पीसीओडी बढ़ रहा है। और पीसीओडी खाली ओवरी सिस्ट नहीं है, पीसीओडी से हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। महिलाओं के चेहरे पे बाल, अपर लिप्स आ गए, ठोडी पे बाल आ जाते हैं, पेट पे ब्रेस्ट पे बाल आ जाते हैं, पीरियड्स का साइकिल बिगड़ जाता है, कम आने लग जाते हैं, ज्यादा आने लग जाते हैं। आजकल तो पीरियड्स लोगों को कम होने लग गए। अब जो भी लड़की एकदम फूल रही है, आप नोटिस करना उसके पिछले कुछ सालों में पीरियड्स का फ्लो कम हुआ है, यानी कि जो वेस्ट बॉडी का निकलना था वो अंदर ही रहने लग गया। अच्छा, तो वो मोटी हो रही है लड़की। अब देखो लेडीज में ज्यादातर आप नोटिस करो ये हिस्सा ज्यादा बढ़ता है, लोअर थाइज और हिप्स बढ़ते हैं। वजह कि उनको उस टाइम पर जो डाइट देते हो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है नीचे, हम आजकल चौकड़ी हम मारते नहीं, उकड़ू हम बैठते नहीं, टॉयलेट सीट इंडियन है नहीं, यूरिन हम इंडियन स्टाइल में करते नहीं। मैं तो सारी महिलाओं को बोलूंगा बाथरूम में जाया करो, चुपचाप एक किनारे पे बाथरूम कर लिया करो और उस पर पानी डाल दिया करो, जैसे हमारी दादियां करती थी, नानियां करती थी। वॉशरूम में गई, साइड पे बैठा, यूरिन करा और पानी डाल दिया जी, तो भैया उससे पूरा ब्लैडर साफ होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर पूरा भारत अपनाएगा। और एक महिलाओं को बोलना चाहूंगा जो 5 दिन पीरियड चलते हैं या 4 दिन चलते हैं, उन दिनों में सिर्फ कच्चा भोजन खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो, फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ और खुश रहो। उस टाइम पे किसी को बद्दुआएं मत देना। जी आचार्य जी, एक प्रश्न मेरा और था। आप डिटॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ऑयल पुलिंग मेथड है जिससे कि हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, तो इसको थोड़ा सा आप बताएं। उसको हम फैटी लीवर को ठीक करने में यूज करते हैं जी। जो आपने डिटॉक्स ऑयल वाला मेथड है, ऑयल पुलिंग एक तो मुंह की होती है जी, ऑयल जो सुबह सुबह ऑयल पुलिंग करके अपने मुंह में ऑयल से कुल्ला करते हैं जी। और ऑयल को ऐसे कई डायरेक्शन में चलाते हैं, बेसिकली मुंह की और आंखों की एक्सरसाइज है। एक हम ऑयल पिलाते हैं, उससे हम पोटियां लगवाते हैं, अच्छा उससे लीवर फैटी ठीक हो जाता है, अच्छा गॉल ब्लैडर का स्टोन भी निकल जाता है कई लोगों का, उससे इतना अच्छा मेथड है। करना क्या होता है, आपको जैसे संडे को क्लीनिंग करनी है, बेसिकली जैसे आपको घर की सफाई करनी है, आप प्लानिंग करते हो ना जी, तो ऐसे पूरी बॉडी की मुझे सफाई करनी है संडे को करनी है,
तो आप 6 दिन पहले ही ना अपने खाने में पका हुआ वजन घटा दो। अच्छा। और अंगूर बढ़ा दो खाने जी। संतरे बढ़ा दो और सेब बढ़ा दो। अच्छा। और सेब का जूस पियो, नेचुरल वाला, डब्बे वाला नहीं जी, जी। नेचुरल का सेब का जूस पियो, विटामिन सी ज़्यादा लेना उस टाइम पे, क्योंकि हमें अपने लीवर के अंदर जो फैट डिपॉजिट है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए। अच्छा। 6 दिन लगातार ऐसे करते रहना है, मतलब रोटी चावल घटा दिया, दूध बिल्कुल बंद कर दिया, दूध की बनी चीज़ें लेनी नहीं। अच्छा। जानवर से जो भी आता है वो नहीं लेना। अच्छा। अंडा नॉनवेज नहीं खाना, फ्रूट ज़्यादा खाने, सैलड ज़्यादा खानी, सेब ज़्यादा खाने हैं, सेब का जूस पीना है और मौसमी संतरा ज़्यादा लेना है। 6 दिन ऐसा करना है। अब संडे को आपको क्लिनिक करनी है तो सैटरडे को सुबह 12 बजे तक ही खाना जो खाना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। सैटरडे को 12 बजे तक खा लेना जी। फिर शाम को 6 बजे 150 ml, अगर आपका वजन 50 किलो से ज्यादा है तो 150 ml एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लेना है। अच्छा। एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लेकर उसमें उतनी ही मात्रा में अनानास का या किन्नू का, संतरे का जूस मिला लेना, नेचुरल वाला, डब्बे वाला नहीं जी, डिब्बे वाला कुछ भी नहीं। अच्छा। मतलब डिब्बे वाले जूस को तो मैं गाली देता हूँ, भी बात करेंगे उसके बाद। तो डिब्बे वाला जूस जहर है। हाँ। जी। ठीक है, तो उसको मिलाकर घुट घुट करके चौकड़ी मार के बैठ के आराम से पीना है जी। 5 मिनट सीधा बैठना है, फिर दाई करवट लेना है, दाई करवट लेटना है 15-20 मिनट, और रात को 8, 8:30, 9 बजे, मतलब 2-2.5 घंटे बाद दोबारा से 50 ml ऑयल और पी लेना है, विद उतना ही मात्रा में जूस या नारियल का जूस डाल के। सुबह उठ के अगर आप चाहो तो अपनी टॉयलेट सीट पे एक जाली रख देना आटा छानने वाली। अच्छा। और उसके ऊपर पॉटी करना तो आपको दिखेगा मेरी बॉडी से क्या क्या निकल रहा है। अच्छा। फोटो भी खींच सकते हो उसकी आप। तो डिटॉक्स मतलब वो पूरा सारा जो मल निकलेगा ना, वो गहरे हरे रंग का, गंदे हरे रंग का, लाइट हलर रंग का, भूरे रंग का गंद निकलेगा जो रूटीन में नहीं निकलता जी। बेसिकली उसमें लीवर का कचरा आया। अच्छा। गॉल ब्लैडर का कचरा आया, और लॉटरी से कई लोगों का गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकल जाता है इस तरीके से अपने आप ही। मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन लोग बोलते हैं ऐसा कोई रास्ता नहीं होता, इसको गलती से कटवा लेना चाहिए हमेशा, लेकिन जितने लोग कटवाते हैं दुखी होते हैं। तो इससे 3-4 बार करने से जो हम लोगों ने नोटिस करा, गॉल ब्लैडर स्टोन का कचरा भी निकल जाता है, मतलब हम लोगों ने देखा है। एक और काम कर सकते हो, हमारे पूरे भारत में 125 क्लिनिक हैं, मतलब 100 क्लिनिक है, 25 हॉस्पिटल हैं। हर क्लिनिक पे ना 7 दिन का फ्री एक पैकेज बेचते हैं हम, मतलब फ्री देते हैं, मतलब पैसा लेते हैं 1 रुपया भी ना, डॉक्टर की कंसल्टेशन 7 डेज का फ्री पैकेज मिलता है। उसमें 6 दिन हम कोई टैबलेट और पाउडर खिलाते हैं। अच्छा। और 7वें दिन यही एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल पीने को बोलते हैं जो अभी बताया मैंने। अच्छा। तो हमारी क्लिनिक पे जाके फ्री में भी ले सकते हो। अच्छा। मतलब पूरे भारत में शुद्धि की मुहिम है हमारी जी। क्योंकि आयुर्वेद का श्लोक है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। तो हम लोगों ने सोचा दुआएं कमा लें, तो हम अपनी क्लिनिक पे हर महीने कम से कम 50,000 लोग हमसे वो फ्री पैकेज लेके जाते हैं। अच्छा। 50,000 लोग, और हम किसी से 1 रुपया भी लेते हैं जी। हाँ, जिसको ट्रीटमेंट लेना है वो ट्रीटमेंट लेता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का इसी फ्री ट्रीटमेंट से फायदा हो जाता है। लोग मुझे पूछते हैं हमें ना फीस देनी है, मैं कहा फीस ये है कि आप 3 लोगों को बता देना। बिल्कुल। अब लोग बोलते हैं हमें कि आप मुझे फीस देनी है, मैं बोलते हैं आप 3 लोगों को बता देना कि हमारे यहाँ फ्री शुद्धि पैकेज मिलता है 7 डेज का।